अब डिवेंचर स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। डिवेंचर का फर्स्ट पार्ट इशू वाला पार्ट मैंने करा दिया कल, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश वो कवर हो गया। अब दो पार्ट बाकी है आपके, एटो डिवेंचर इशू एस कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी ये वाला, और दूसरा पार्ट है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर आठ नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा, ठीक है। ये तो आपको थ्योरी में आ सकता है, या प्रैक्टिकल आएगा तो दो या तीन नंबर का आएगा, ठीक है, चांस कम ही है इसके आने के, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। बट इसको हमें दूसरी चीज से कर लेंगे, थर्ड पार्ट हो रहा है आपका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में डिवेंचर कैसे शो होंगे, बैलेंस शीट में डिवेंचर का क्या होगा, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट तो आपको तो ये ऐसे बैलेंस शीट समझ में आती है, वो तो लंबी बनेगी पर आपके समझ के लिए बैलेंस शीट में डिवेंचर का क्या होगा, तो जब ये वाला पॉइंट करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी अपने को, तो टू इन वन काम हो जाएगा अपना, पटेंगे इसको और बैलेंस शीट का पार्ट भी कर लेंगे। तो तीसरा पार्ट में बताता है कि डिवेंचर को बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो जब इसकी बैलेंस शीट बताऊंगा तो इसके साथ में शेयर को भी डाल देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डाल देंगे, तीन होगा। तो पूरा जिसका शेयर वाले चैप्टर में क्लियर नहीं हुआ कि बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा क्या होगा, तो वो भी यहां पे क्लियर हो जाएगा इसमें, कि शेयर डिवेंचर पूरा कंपनी अकाउंट से, तो पूरे कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट दिखा देगी, कंपनी का बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसमें एक तो शेयर आएगा, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, डिवेंचर आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व ये सब किसमें आ जाते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर ही आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, अब आसान सा करते हैं, डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको सिक्योरिटी पहला पॉइंट, इसमें दो मेथड है आपके, आप कहते हैं डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसमें दो मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है। एक तो यह है शोन इन बुक्स, इसको बुक्स में शो करें, और एक है नॉट शोन इन बुक्स, बुक्स में नहीं दिखाना हमारे को, तो बुक्स में नहीं दिखाना तो क्या करेंगे, बुक्स में कैसे आता है कोई भी चीज अकाउंट में, बुक्स में कैसे आती है, कैसे आती है एंट्री से, यानी कि किस केस में अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसमें जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जर्नल एंट्री नहीं करेंगे बट सच फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए कि डिवेंचर सिक्योरिटी में इशू कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्या होती है, मेटेरियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट में हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट उसको माने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसकी डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, यानी जिसकी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो सोचता है कंपनी में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कंपनी से डील करूं कि नहीं करूं, कोई भी ऐसी जो उसको इफेक्ट कर सकती थी, अगर मुझे पहले पता होता ऐसा है तो मैं तो नहीं करता, ठीक है। तो हर ऐसी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस फैक्ट को जब एंट्री नहीं करेंगे तो बुक्स में तो आएगी नहीं, लेकिन इस फैक्ट को डिस्क्लोज करना है, तो डिस्क्लोज करेंगे कैसे, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें जर्नल एंट्री पास होगी। तो अब देखते हैं पहले इसको, अब बैलेंस शीट में कैसे आएगा, बैलेंस शीट ये रही, ये कंपनी की बैलेंस शीट और ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, तो इसमें आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये आपका नोट नंबर, ये करेंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, फोटो में चले कैमरा बात नहीं करते तुम्हारे, तुम्हारे लिए, ठीक है।
इसके बाद ठीक है। तो अब ये करंट ईयर और अब ये प्रीवियस ईयर, ये आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर आती है ऐसे। अब इसके अंदर इक्विटी लाइफ स्टेज के अंदर अगर देखें तो सबसे पहला आता है आपका शेयर होल्डर फंड, जिससे रहा नहीं जा रहा बातें, ये भी था वो बाहर जाके आराम से बातें करो, मैंने रोका थोड़ी तुम्हारे को, लेकिन तुम्हारे को ये भी हमारी बातें इनको भी सुनानी जरूरी है, तुम्हें करनी है तो तुम करो, मैंने रोका थोड़ी ना, मैं कोई कंप्लेंट करूंगा किसी की, बात करते हैं लेकिन क्लास में नहीं, फिर मैं बताऊंगा नहीं यहां से ठीक है, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 1, 2 ऐसे और भी आएंगे। तो यहां पे जो भी नोट नंबर आएगा इसका, अब ये किसमें आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और सपोज यहां पे ये तीन ही आइटम है आपकी बैलेंस शीट में, जो भी आइटम होगा ये जो भी इसका नंबर होगा वो आ जाएगा, ये सपोज यहां पे तीन नंबर आ गया आपका ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन है, तो ये बैलेंस शीट में देखो आपको तीनों चीजें दिख गई कैसे प्रेजेंट होंगी। शेयर वाले चैप्टर में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल टोटल आता है उसके अंदर, इशू सब्सक्राइब पेड अप फाइनल फिगर, रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर आ जाती है ठीक है। और नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा डिबेंचर, तो इसका नोट बनेगा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर मान लो 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये पर्टिकुलर ठीक है, ये अमाउंट सपोज मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, एसबीआई बैंक से लोन लिया है कितने का, 1,00,000 का, और डिबेंचर इशू किए हैं, इसने क्या किया, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी कितने, 15,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 1500 डिबेंचर इशू किए, सॉरी 1500 डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच, यानी कितने हो गए, 1,50,000 के हो गए ना, 1,500 × 2,100 15,000 1,50,000 के हो गए, और बताया था ज्यादा ही देगा ये बेचारा, तो कितने आ गए, ये 1,50,000 के आ गए, ये बात समझ में आ गई। अब पहला मेथड लेते हैं, बात निकल के कह रहा हूं ठीक है, पहला मेथड तो इसमें हमने लिया, इस वाले मेथड में क्या है, डिबेंचर शो नहीं कर रहे अपने को, तो इसमें दो एंट्री आएगी, एक एंट्री तो क्या आएगी, इसमें पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक से लोन लिया, बैंक टू एसबीआई बैंक लोन 1,00,000 रुपए, ये एंट्री तो होगी लोन लेने की ठीक है, ये तो लोन लेने की एंट्री होगी। अब इसने डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में दिए, लेकिन ये कहता है कि हमें तो ये वाला मेथड पहले ठीक है, ये हमें तो नहीं शो कर, हमें तो एंट्री नहीं करनी डिबेंचर देने की, क्योंकि एक्चुअल में तो डिबेंचर है नहीं, तो कहता है हम एंट्री नहीं करेंगे, पर फैक्ट तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, इसमें क्या आ गया आपका बैलेंस शीट में एसबीआई बैंक लोन 1,00,000 रुपए, एसबीआई का बैंक लोन लिया हमने, 1,00,000 का लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, 10 साल के लिए लिया, टर्म लोन है एसबीआई बैंक टर्म लोन, टर्म लोन 5 साल से ज्यादा होता है, हो गया नॉन करेंट, तो ये 1,00,000 रुपए, लेकिन डिबेंचर की तो कोई बात आई नहीं, तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ 1,500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल लिख दें खाली, सिक्योरिटी में नहीं लिखे, कोलेटरल को समझ जाएंगे बस, और ये टोटल आ गया 1,00,000, तो ये बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,00,000 आ गया प्रेजेंटेशन, पहला मेथड, तो ये सेकेंड मेथड हो गया आपका ठीक है।
ठीक है। अब अगर इसको शो करना हो तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस डालना है उसके अंदर, लिख दिया इतने एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करनी आपको, सीधा ये तो तुम्हारा समझाने के लिए भी हुआ गया स्टार्टिंग से, ये तो बीच में फिल्म समझ में नहीं आएगी। बैंक से लोन लिया तो लोन आ गया, डिबेंचर की तो करनी नहीं एंट्री, लेकिन फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया अपन ने, पता चल जाएगा किसी को भी, बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट देखा, बैलेंस शीट में डिबेंचर कहां पे आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आते हैं, बैंक लोन डिबेंचर सब आते हैं, तो यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर ये भी आ गया, टोटल आएगा ना, ये भी तो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी बैंक लोन। अब ये बात समझ में आई, तुम्हारे नहीं आई, थोड़ी सी नहीं आई, पूरी आ गई नहीं आई ना, पता लग जाता मेरे को सगल देखते ही, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी हो जाती है बोर्ड की, और यानी कि समझ में नहीं आया, और बोर्ड में तो कुछ निकल के आएगा नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, एस बैंक से लोन लिया, ये भी तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, ये तो नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है एक साल से ज्यादा की, तो ये भी तो अब डिवेंचर तो डिस्क्लोज करेंगे नहीं, ये कर दिया इशू किया नहीं, एंट्री आई नहीं डिवेंचर की, अभी सेकंड मेथड और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में आता है डिवेंचर या कोई भी बैंक लोन वगैरह। अब ये वाला काम तो हो गया, पहला वाला फोटो ले ली थी, अब देखते हैं इस फर्स्ट मेथड को देखते हैं, अगर जनरल एंट्री पास करें तो क्या होगा, अगर जनरल एंट्री को पास करें तो क्या होगा, जनरल एंट्री पास करें तो ये एक और ये दूसरी एंट्री क्या होती, अब इस फर्स्ट मेथड को कर रहे हैं, जनरल एंट्री पास करें तो क्या होगा, सेकंड एंट्री एक तो यहां हो गई, अब दूसरी यहां कर देते हैं बड़ी बड़ी, तो डिबेंचर 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर इशू किया ना बनने, डिवेंचर सस्पेंस टू 10% डिवेंचर कितने, 150,000, ठीक है, एंट्री हो गई। अगर बुक्स में शो करना चाहते हैं, एक्चुअल में तो ये एक्टिवेट है नहीं, एक्चुअल में तो एक्टिवेट है नहीं, लेकिन हमने तो जनरल एंट्री शो कर दिया इसको, तो एंट्री कर दी डिवेंचर टू डिवेंचर, क्रेडिट हो गया ना आपका डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है। तो अब बुक्स में आ जाएगा, तो अब क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, अब बैलेंस शीट में ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, हिलाओ हिलाओ मत यार, दो मिनट खड़ी रह लो, इस खत्म ही होने वाली है, ठीक है। तो अब बुक्स में ये तो एज इट इज रहेगा, अब यहां क्या आएगा, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर लेस डिवेंचर सस्पेंस ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन आ गई, ये तो सेम रहेगा, और यही वाला मैटर उठा के यहां भी डाल देंगे, लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो पहले से पढ़ा ही अपना, और ये आ गया बुक्स में आते जाके 10% डिवेंचर लेस डिवेंचर सस्पेंस, तो वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो है नहीं, पर बुक्स में दिखानी थी तो हमने रिकॉर्ड करके दिखा दी, तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो 1,00,000 ही रहेगी, एक्चुअल में 1,00,000 ही है, 1,00,000 ही आएगा, ये आया और गया नील, ठीक है। अब जिस दिन इसकी डिवेंचर की पेमेंट हो जाएगी, आपने लोन की पेमेंट कर दी, उस दिन उससे डिवेंचर वापस ले लेंगे, तो कैंसिल इसको रिवर्स कर देंगे, तो यहां से ये गायब हो जाएगा, अगर एंट्री करी है तो, अगर करी है तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, खत्म हो जाएगा फ्यूचर में, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन बता रहा हूं पूरा। और इस वाले केस में फैक्ट वाले में फैक्ट को साफ कर देंगे, मिटा देंगे वहां से, लोन भी पेमेंट हो गया तो लोन भी नहीं रहेगा और डिवेंचर भी नहीं रहेगा, पूरा फैक्ट ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में पॉलिटिकल सिक्योरिटी के देख सकते हो, सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल चीज तो है, कोई कैलकुलेशन वैल्युएशन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है,